नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक ब्लॉग हिंदी में। तो आज आ चुका है हमारे सामने जो कि महिंद्रा की एक ये कंपनी है जो कि ट्रैक स्टार 536 करके आता है, जो कि इसकी पेरेंट्स कंपनी जो है वो महिंद्रा है। तो ये 536 जो है ये 36 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसकी ऑन रोड प्राइस भी आपको हम इसकी बताएंगे कि क्या पड़ती है इसकी ऑन रोड प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया 6 ईयर्स वारंटी, यहाँ पर 6 साल की आपको वारंटी देखने को मिलेगी। और इधर दिया गया है 3 सिलेंडर बोस का इनलाइन पंप दिया गया है जो कि डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें जो आता है ये जो एक्सल जो फ्रंट वाला दिया गया है नॉन एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका नीचे का जो कि लुक दिखता है, प्रोफाइल दिखता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। और फ्रंट लुक कुछ इस तरह से दिखता है जो कि काफ़ी कमाल का यहाँ पर दिखता है जो कि फ्रंट लुक है। इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो महिंद्रा है और ये ट्रैक स्टार 536 जो कि 3 सिलेंडर में आता है 36 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर जो है दिया गया है। इसमें और भी मॉडल आते हैं तो हम आपसे उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर डिलक्स लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये डिलक्स हो गया। इसमें जो आता है वो इसमें आते हैं 8 गियर फॉरवर्ड के लिए ले आते हैं और 2 गियर जो कि रिवर्स के लिए यहाँ पर इसमें आते हैं। यहाँ पर आप गियर देख सकते हैं, ये सेंटर शिफ्ट गियर यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है वो आता है ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक जो इसमें दिया गया है, जो कि कहते हैं उसे तेल में डूबे हुए ब्रेक इसमें आते हैं। इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैनुअल स्टीयरिंग यहाँ पर इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। जो इंजन मिलता है वो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, 3 सिलेंडर 36 HP का जो कि डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर जो कि इंजन मिलता है। और ये 36 HP का इंजन है जिसमें 2235 CC का इसमें इंजन लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है 2235 CC। और 36 HP में ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर जो कि 2236 CC का यहाँ पर जो इंजन इसमें लगाया गया है। इसका जो PTO पावर दिया गया है, इसका मतलब होता है पावर टेक ऑफ, इसका जो PTO पावर दिया गया है वो 30.6 HP का यहाँ पर इसमें PTO पावर आपको देखने को मिलेगा। कुछ इसका ये साइड प्रोफाइल आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो एयर फिल्टर आता है वो 3 स्टेज बेड टाइप यहाँ पर इसका जो कि एयर फिल्टर दिया गया है। इसमें अगेन आपको दूसरी साइड भी डिलक्स लिखा हुआ मिलेगा। इसका हो गया ये बैटरी बॉक्स हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें जो फ्रंट टायर आता है वो आता है यहाँ पर दिया गया है 6/16 का, यहाँ पर आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। और पिछला टायर जो आता है वो 13/6/28 का पिछला वाला टायर यहाँ पर आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ पीछे से साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से इसका दिखता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आता है पोर्टल कांस्टेंट मेश टाइप यहाँ पर जो ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसमें 8 गियर फॉरवर्ड के लिए 2 गियर रिवर्स आग के लिए आपको इसमें देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन है वो सिंगल डायफ्राम के साथ में आता है जो कि 36 HP के हिसाब से ठीक ठाक आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है सिंगल डायफ्राम इसमें दिया गया है। तो इसका जो कि टैंक फ्यूल कैपेसिटी दिया गया है वो 63 लीटर का यहाँ पर इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि ये टैंक दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, जो कि 63 लीटर की यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। जो कि बैकग्राउंड नॉइस है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और मैं आपको और कुछ इसके जो कि आगे जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। 1805 किलोग्राम का यह ट्रैक्टर का कुल कर वेट है, जो कि 1805 किलोग्राम का ट्रैक्टर का जो कि कुल वजन है वो दिया गया है। इसमें 1400 किलोग्राम की इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी आती है। और इसका मैंने आपको बता दिया PTO जो कि पावर टेक ऑफ होता है वो 30.6 HP का यहाँ पर PTO पावर इसमें दिया गया, जो कि 540 RPM पर यह चलता है। इधर कुछ ट्रैक्टर के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो यहाँ पर ये सॉकेट लगाया जाता है ये एक्चुअली में काम आता है, जितने भी एम्प्लीमेंट में बहुत से लोग लाइट लगाते हैं या बड़ी ट्राली रोटावेटर या कल्टीवेटर हैरो हो गया उसमें लाइट लगे हुए आते हैं बड़े बड़े एम्प्लीमेंट में, तो ये उस काम में आता है। इसमें 7 पिन का दिया गया है, इससे आप जो कि आउटपुट इससे ले सकते हैं, जितने यहाँ पर लाइट के कंट्रोल है ट्रैक्टर के उसके यहाँ पर आप आउटपुट इससे ले सकते हैं। यहाँ पर हो गया इसका हैंड ब्रेक हो गया। और ये ट्रैक स्टार जो लगाता है ये अपने सभी ट्रैक्टरों में एक पीछे बेट लगाता है, आप देख सकते हैं पीछे का लुक इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर का प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टोल फ्री नंबर दिया गया है, इससे आप उसमें से बात कर सकते हैं। ये इसका हो गया बैक इंडिकेटर, पार्किंग लाइट सब इनबिल्ट इसी में मिलेगा आपको। कुछ इस तरह से इसका इस तरह का आपको फाइल दिखता है। अभी हम आपको इसका डैशबोर्ड दिखाते हैं कि डैशबोर्ड दिखने में कैसा है इसका। तो यहाँ पर ये हो गया जो कि क्लच हो गया, सिंगल क्लच में आता है। इधर ये पीटीओ लीवर हो गया इसका। ब्रेकिंग मैंने आपको बता दी है कि जो ब्रेक मिलता है वो तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलते हैं जो कि मिलते हैं। और इसका कुछ यहाँ पर इस तरह से लुक आता है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का। लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर का कंट्रोल, स्टार्टिंग स्विच, फ्यूज बॉक्स, इंजन स्टॉपर यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो बस ट्रैक्टर में इतना ही था। अभी हम सर जी से पूछते हैं कि इसका जो कि ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो क्या पड़ेगा कंप्लीट ट्रैक्टर। जुड़ चुके हैं अभी हम इससे पूछते हैं इस ट्रैक्टर का, जो कि 536 HP का जो ट्रैक्टर है इसका हम ऑन रोड प्राइस इसका पूछते हैं जो कि कम्प्लीट ट्रैक्टर कितने में पड़ेगा। 4,90,000 की पड़ेगी कंप्लीट ट्रैक्टर। कंप्लीट ट्रैक्टर 4,90,000। ये कंप्लीट ट्रैक्टर 4,90,000 में जो कि ऑन रोड ये कंप्लीट ट्रैक्टर आपको पड़ जाएगा। तो वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।